नमस्ते दोस्तों, आज हम एक शानदार सी फूड डिश बनाएंगे, क्रैब करी। सबसे पहले क्रैब को अच्छे से साफ करें और अगर वे बड़े हैं तो उन्हें दो टुकड़ों में काट लें। ग्राउंड मसाला पेस्ट बनाने के लिए हमें 2 कप कटा हुआ नारियल, 1 छोटा इमली का टुकड़ा और 6 से 7 नंबर सूखी लाल मिर्चों की जरूरत होगी। मिक्सर में इन्हें डालें और एक बारीक पेस्ट बनाएं। आधा कप पानी डालें और बारीक पेस्ट बनाने के लिए पीसें। आधा कप पानी डालें और बारीक पेस्ट बनाने के लिए पीसें। अब एक कुकिंग वेसल में मसाला पेस्ट, कटी हुई प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालें। धीमी आंच पर पकाएं जब तक मसाला उबल ना आ जाए। मध्यम आंच पर पकाएं जब तक वह उबल ना आ जाए। ग्रेवी के लिए जरूरत के हिसाब से पानी डालें। 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और 1/2 इंच कटा हुआ अदरक डालें। यदि आवश्यक हो तो कुछ कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालें। मध्यम आंच पर पकाएं जब तक उसमें उबाल न आ जाए। मसाला में क्रैब डालकर धीमी आंच पर लगभग 30 मिनट तक पकाएं। जब करी तैयार हो जाए उस पर थोड़ा नारियल का तेल डालें और गैस बंद करें। जब कार्य समाप्त हो जाए क्रैब करी को एक कंटेनर में स्थानांतरित करें। और देखिए, हमारी क्रैब करी तैयार है। इसे गरम चावल के साथ सर्व करें और मजा उठाएं। और देखिए, हमारी क्रैब करी तैयार है। इसे गरम चावल के साथ सर्व करें और मजा उठाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।